हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम चारणिया। आज जो है दोस्तों, हमारे सामने BMQ का इंडक्शन है, जिसके अंदर ये मुझे टेक्नीशियन के पास से आया हुआ है। उसने यहां पर IGBT को नया लगा दिया है। इसका जो है पावर सप्लाई का रजिस्टर डैमेज हो चुका था, उसको भी नया लगा दिया। यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है लेकिन एरर 7 शो कर रहा है। इसको मैंने ओपन करके देखा है तो यहाँ पर 100 ओम्स का एक रजिस्टर खराब हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो 85-50 ट्रांजिस्टर रहता है वो भी पूरा फट चुका है। तो इसको मैं डिटेल्स में इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पावर सप्लाई से जो वोल्टेज बनता है वो 18 वोल्ट की जगह पर यहाँ पर 35 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पर 35 वोल्ट सप्लाई क्यों मिलता है, कहाँ से मिलता है? वैसे कॉमेंट मुझे कई बार आया है कि सर, हमारा पावर सप्लाई से वोल्टेज जो है 18 वोल्ट की जगह पर ज़्यादा वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से पावर सप्लाई से जो है वोल्टेज ज़्यादा बना, इसलिए यहाँ पर 100 ओम्स का रजिस्टर और 85-50 ट्रांजिस्टर IGBT सब कुछ खराब हो चुका। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले ऑन करके दिखा देता हूँ इंडक्शन को। तो यहाँ पर देखिए एरर 7 शो कर रहा है, ठीक है। इसमें बर्तन नहीं रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर एरर 8 शो करता है, लेकिन जो है इसके अंदर अभी एरर 7 शो कर रहा है और अंदर का जो है ट्रांजिस्टर सब कुछ फट चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों बर्तन तो सेंस करेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर फट चुका है, यहाँ पर दो टुकड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 100 ओम्स का रजिस्टर भी फट चुका है। तो यहाँ पर से 100 ओम्स का रजिस्टर है, यहाँ पर सप्लाई रहता है 18 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंड रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सप्लाई को चेक करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 200 वोल्ट की DC रेंज पे सेट कर रहा हूँ मीटर को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 35 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड पर लगाकर देखिए यहाँ पर 30 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मैं पावर सप्लाई का प्रॉब्लम्स आपको शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक जीनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जीनर डायोड है और यहाँ पर काफ़ी सारी डस्ट भी लगी हुई है। सबसे पहले दोस्तों ये वाला काम करना है कि यहाँ से डस्ट को निकाल देना है, वरना जो है ये वाला IC वाइपर 12A IC रहता है वो भी ख़राब हो जाएगा। ये वाला रजिस्टर जो है ये टेक्नीशियन ने चेंज करके मुझे दिया है इंडक्शन, ये पूरा जो है डेड इंडक्शन मिला था रिपेयर में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आगे यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर नया डाल देंगे दोस्तों, ये वाला रजिस्टर जो है उसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ PCB को। तो देखिए यहाँ पर मैंने PCB को ओपन कर लिया है। अभी जो है दोस्तों यहाँ से हम डस्ट को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर डस्ट नहीं रहना चाहिए, वरना जो है ये वाला वाइपर 12A IC ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा है, ठीक है, यहाँ पर 18 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगा रहता है दोस्तों। ये वाला डायोड शॉर्ट हो जाएगा तभी ये वाला वाइपर 12A IC जो रहता है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये वाला जीनर ख़राब है, मतलब कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होगा। चलिए थोड़ा डायोग्राम के ऊपर आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वाइपर 12A IC है, जिसका 5 नंबर से 8 नंबर का पिन यहाँ पर कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर की पिन से 18 वोल्ट का एक जीनर डायोड निकलता है, जिसका कैथोड साइड पॉजिटिव 18 वोल्ट सप्लाई में रहता है। यहाँ से एक रिवर्स डायोड लिया जाता है, जो कि यहाँ पर 4007 डायोड रहता है, जो कि यहाँ पर 4 नंबर की पिन पे रहता है। अभी ये वाला जो जीनर है दोस्तों, ये वाला ख़राब हो जाएगा जीनर, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये वाला जीनर को चेंज करके यहाँ पर सप्लाई को देखूँगा। चलो मैं यहाँ पर जीनर को निकाल देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से काट लूँगा, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। तो मैंने ये वाला जीनर को निकाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं 18 वोल्ट का एक नया जीनर लगा के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनता है या फिर सप्लाई जो है ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे आपका इंडक्शन में कभी भी सप्लाई ज़्यादा नहीं आएगा।
वैसे भी दोस्तों ये उषा प्रेस्टीज जो कंपनी का इंडक्शन रहता है उसके अंदर ये वाला जो है कंपोनेंट्स रहता है। तो आपको क्या करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सप्लाई को सही कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला 18 वोल्ट का एक नया जीनर मैंने लिया है, ठीक है। इसका कैथोड वाला साइड जो रहता है दोस्तों वो आपको 18 वोल्ट सप्लाई की ओर रखना है, उसको उल्टा नहीं लगाना है वरना जो है ये वाला जीनर खराब हो जाएगा और आगे आईसी भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर जीनर सही से मैंने लगा दिया है, अभी इसका सप्लाई चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। तो अभी इसका सप्लाई दोस्तों मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ही हम देखेंगे, तो देखिए इंडक्शन को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 35-33 वोल्ट आ रहा था, अभी 19 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जीनर डालने के बाद यहाँ पर 19 वोल्ट सप्लाई रहता है। तो मेरा मीटर जो है दोस्तों यहाँ पर 1 वोल्ट आगे थोड़ा शो करता है। तो इसकी कोई बात नहीं है, यहाँ पर 19 वोल्ट रहे या 20 वोल्ट रहे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए थोड़ा मैं दोस्तों आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि जीनर जो है क्या काम करता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा डायोग्राम में बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी में था इसलिए इस इंडक्शन का मैं डायोग्राम कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक आईसी है, यहाँ पर एक आईसी है, ठीक है। इसका कोई भी पिन रहेगा इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है दोस्तों यहाँ पर हम सप्लाई को कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना सप्लाई रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 40 वोल्ट सप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है हम ग्राउंड कर लेते हैं, यहाँ पर GND यानी कि ग्राउंड। तो ये वाला हो गया दोस्तों 40 वोल्ट सप्लाई जो कि आईसी से निकलता है। अभी ये जीनर क्या काम करता है, तो चलिए यहाँ पर एक सिंपली आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जीनर दोस्तों मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से दोस्तों इसका ड्राइंग होता है। यहाँ पर जो है जेड टाइप का एक जो है पॉइंट रहता है, मतलब कि यहाँ पर सीधा नहीं रहता है, डायोड में सीधा रहता है, यहाँ पर जेड टाइप रहता है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट जीनर, ठीक है। तो अभी ये जीनर क्या काम करता है दोस्तों, ये वाला जीनर जो रहता है कोई भी जीनर रहेगा यहाँ पर 18 वोल्ट 20 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी जीनर रहेगा दोस्तों वो वाला यहाँ पर वोल्ट को फिक्स करता है। क्या करता है, यहाँ पर वोल्ट को फिक्स करता है, बाकी जो वोल्ट ज़्यादा रहता है दोस्तों वो यहाँ से रिवर्स करता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 40 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर 18 वोल्ट का हम जीनर लगा देते हैं, तो यहाँ पर से 40 वोल्ट निकलता है, यहाँ पर 18 वोल्ट सप्लाई बनता है, 18 वोल्ट सप्लाई रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है 40 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ से रिवर्स करके फिर से पावर सप्लाई में यानी कि ग्राउंड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर 18 वोल्ट सप्लाई बनता है जीनर लगाने के बाद। तो आपको क्या करना है दोस्तों, फाइनली यहाँ पर एक फ़ैन का जैक जो रहता है, फ़ैन के जैक के ऊपर 18 वोल्ट सप्लाई रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राउंड से 18 वोल्ट जो सप्लाई रहता है उसके बीच में ये वाला जीनर को आपको लगा देना है, ताकि जो है दोस्तों यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 34 वोल्ट बनता है या फिर 29 बनता है, जो भी वोल्ट बनता है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 18 वोल्ट फिक्स रहेगा, ठीक है। ये वाला जीनर प्रोटेक्शन रहता है दोस्तों। ऐसे ही आप 5 वोल्ट का सप्लाई जो रहता है, तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट का सप्लाई रहता है ग्राउंड और यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि यहाँ पर आईसी से 5 वोल्ट बनता है, तो आप 5 वोल्ट के बीच में जो है दोस्तों वहाँ पर भी एक जीनर को इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट जीनर लगाना है, तो मान लीजिए यहाँ से 6 वोल्ट आया, तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी रहेगा उसके अंदर 5 वोल्ट सप्लाई ही जाएगा, बाकी का जो सप्लाई रहता है दोस्तों ये वाला जो जीनर रहता है वो रिवर्स सप्लाई को रिवर्स करता है, ठीक है। ये जीनर का काम ही दोस्तों सप्लाई को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर
जिनर के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, तो अभी ये वाला प्रॉब्लम जो है दोस्तों 90 इंडक्शन में जिनर का ही प्रॉब्लम रहता है। कई लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर मैंने आईसी को चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने कॉल कंपोनेंट्स देख लिए, जिनर भी सही है, लेकिन आपको मीटर से जिनर को चेक नहीं करना है, आपको नया जिनर 18 वोल्ट का लेकर यहाँ पर लगा देना है। कई बार क्या होता है, जिनर सही रहता है लेकिन उसके अंदर का जो वेरिएशन रहता है तो वो चेंज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर वोल्ट को फिक्स नहीं कर पाता है। आईसी क्या काम करती है, आईसी तो सिर्फ वोल्ट को ड्राइव करती है, यहाँ पर जो है फिक्स कौन करता है, जिनर जो है यहाँ पर वोल्ट को फिक्स करता है। तो पावर सप्लाई में दोस्तों जिनर और डायोड आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आईसी खराब रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सीरीज का बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर सीरीज का बल्ब ऑन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर जिनर डाल के 18 वोल्ट सही कर लिया। अभी यहाँ पर 100 ओम्स का रजिस्टर और ये 4 डायोड डालकर दोस्तों इसका एरर 7 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है और कोई प्रॉब्लम है या यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है लंबा ना बने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने चारों ट्रांजिस्टर को नया लगा दिया है, यहाँ पर पीसीबी के अंदर आपको बता दूँ तो यहाँ पर देखिए चारों ट्रांजिस्टर नया आ गया, यहाँ पर 100 ओम्स का रजिस्टर जो रहता है वो भी मैंने नया लगा दिया है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ से मैं अभी वन करके आपको बता दूँ तो यहाँ पर अभी एरर 8 शो कर रहा है, तो इसके अंदर जो है बर्तन सेंस का एरर 8 शो कर रहा है, ठीक है। इसका पीसीबी को यहाँ पर मैं लगाकर बर्तन को रखकर सेंस करवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों पता चलेगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं है बर्तन सेंस में। तो देखिए यहाँ पर 1400 वोल्ट पर सेट है और यहाँ पर सीरीज का बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ये वाला इंडक्शन जो था दोस्तों उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुका है। तो आपको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो है दोस्तों यहाँ पर मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर।